नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। इसमें अभी करीब एक घंटा बाकी है। सीबीआई दफ्तर से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर और राजघाट जाएंगे। सिसोदिया पूछताछ के लिए घर से निकले तो पत्नी ने तिलक लगाया, मां ने पटका पहनाकर आशीर्वाद दिया। खुली कार में लाव लश्कर के साथ निकले। इस दौरान शहादत के गीत बज रहे थे। आम रास्ते पर रैली जैसा नजारा बन गया। बोले, मेरी गिरफ्तारी की तैयारी है और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। 11 बजे सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुँचेंगे। हंगामे की आशंका देखते हुए पुलिस बल तैनात है। सिसोदिया के घर और सीबीआई दफ्तर के आसपास धारा 144 भी लागू है। सिसोदिया ने सोमवार को कहा, फर्जी केस बनाकर मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी है। मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना था। ये लोग गुजरात में बुरी तरह हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात जाने से रोकना है। मैंने गुजरात के लोगों से कहा था कि वहाँ भी हम बच्चों के लिए दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनाएंगे। ये लोग नहीं चाहते कि अच्छे स्कूल बने, गुजरात के लोग पढ़े और तरक्की करें। मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया गया है। मेरे घर रेड की, कुछ नहीं निकला। सारे बैंक लॉकर देखे, कुछ नहीं मिला। गांव जाकर सारी जांच की, कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा, मनीष के घर रेड में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। उन पर केस बिल्कुल फर्जी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, उसे रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार रुकेगा नहीं। गुजरात का हर व्यक्ति आज आपका प्रचार कर रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।